दोस्तों, मेरा एक स्क्रीन फ्रेम था जिसके ऊपर मैंने कोटिंग कर दी थी, कोट लगाकर उसको रख दिया था, इसलिए कि किसी कस्टमर के मुझे कार्ड प्रिंट करके देने थे। लेकिन कुछ देर के बाद, तकरीबन 1-2 घंटे के बाद, मुझे कस्टमर की कॉल आती है कि सर, हमारे कार्ड प्रिंट मत करिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमें तारीख को आगे पीछे करना पड़ गया है। तो मैंने सोचा, मेरा जो फ्रेम है, मैंने उसको कोटिंग करके रख दिया है, अब इसका क्या करूं? तो मैंने उसको क्या करा, एक पेपर के अंदर लपेट कर अच्छे से पैक करके दोनों तरफ उसके पेपर लपेटा, अखबार लपेट दिया, और लपेट देने के बाद में उसको अंधेरी जगह पर रख दिया। और आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं वो एक तरफ रखा हुआ है। तो अब मैं ट्राई करके देखता हूं कि 3 दिन के बाद उसके ऊपर मैटर उठ पाता है या नहीं उठ पाता है। ये बहुत काम की वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप 3 दिन के बाद भी मैटर उठाने की कोशिश करते हैं अपने फ्रेम पर, यानी 3 दिन के बाद आपने 3 दिन सुपर कोट लगा के रख दिया अंधेरे में पेपर वगैरह में लपेट कर, तो फिर आपका फ्रेम उठ पाता है या नहीं उठ पाता है, उसके ऊपर मैटर खुलता है या नहीं खुलता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 3 दिन हो गए हमारे फ्रेम को रखे हुए, ये देख लीजिएगा, आपको कबाड़ किस तरीके से इसके ऊपर पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा, मक्खी मच्छर वगैरह भी इस तरीके से। तो ये 3 दिन हो गए हैं इसको, इसके अंदर फ्रेम को मैंने ढक के रखा है अपने, इसको फ्रेम को पेपर के अंदर, और सुपर कोट लगाने के बाद मैंने 3 दिन रख के रखा है इसको। अब मैं इसको उठाकर देखता हूँ कि हमारा फ्रेम उठता है या नहीं 3 दिन के बाद भी, सुपर कोट लगाने के 3 दिन बाद। ये देख लीजिएगा, ये हमारा फ्रेम है, काफ़ी सूख चुका है बिल्कुल। अब देखते हैं कि क्या होएगा, हमारा फ्रेम, हमारा मैटर इस पर उठ पाएगा कि नहीं 3 दिन के बाद, कैसा हमारा मैटर उठता है। दोस्तों, ये हमारा लाइट बॉक्स है जो हमने लाइट बॉक्स बना के रखा है, और ये बटर पेपर है जो हमने अभी इससे पहले जो मैटर उठाया था ये उसके रखे हुए हैं पहले ही। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा। ये छोटा सा मैटर मुझे उठाना है, देख लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से रख देता हूँ, और इसके बाद अपने फ्रेम को मैं, देख लीजिएगा, इस तरीके से बिल्कुल सीधा इसके ऊपर ऐसे रख देता हूँ, और ऐसे रखने के बाद में ये हमारी गद्दी है, इसको हम इसके अंदर फिट कर देंगे, देख लीजिएगा, इस तरीके से लीजिएगा, इस तरीके से हम इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं। और अब इसके ऊपर हम ये शीशा रखेंगे इस तरीके से, ये देख लीजिएगा, और यहाँ पर और जो एक ये खुली हुई है साइड, यहाँ से रोशनी न निकल पाए, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कपड़ा लगा देते हैं ताकि रोशनी निकल ना पाए, और इसके तार लगा देते हैं लाइट में, और इसको टाइमिंग दिखाएंगे हम सिर्फ 2 मिनट, टाइम देख लेते हैं फिलहाल क्या हो रहा है। हमने 17 मिनट पर इसको ऑन कर दिया और इसको दाब दे दी है। दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं, हमको लाइट दिखा रहे हैं हम इसको, और अब हम इसको पानी में लेके चलते हैं। सबसे पहले लाइट को ऑफ करते हैं और इस शीशे को इस तरफ उठा के रखते हैं, फिर इस गद्दी को भी और अपने फ्रेम को उठाते हैं, और अब हम इसको पानी में वॉश करने के लिए लेके जाते हैं धोने के लिए, और देखते हैं कि हमारा मैटर उठ पाता है या नहीं। देख लीजिए, पानी चलाते हैं और देखते हैं कि हमारा मैटर उठ पाएगा कि नहीं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उठेगा या नहीं, कुछ पता नहीं है कुछ भी, अभी बस देखते हैं। वैसे मुश्किल है क्योंकि हमारा जो फ्रेम है वो 3 दिन हो गए हैं एक तरफ रखा हुआ है, तो इस हिसाब से तो चांस नहीं लगते कि मैटर उठ जाए, लेकिन अगर फिर भी उठ जाए तो बेहतर है। इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लीच का ये डिक्रोमेंट का यूज़ करेंगे, देख लीजिएगा, हल्का सा उठने लगा है, और यहाँ पर भी ये देख लीजिएगा। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा डिक्रोमेंट वगैरह यूज़ करके इसको उठा लेते हैं और फिर प्रिंट भी करके दिखाएंगे आपको। तो ये है हमारा डिक्रोमेंट इसके अंदर, और अब हम थोड़ा सा मैटर के ऊपर लगाते हैं, देख लीजिएगा इस तरीके से, और ट्राई करते हैं शायद उठ जाए और हम इसको प्रिंट कर पाए।
देख लीजिए, वाओ बेहतरीन में हमारा मीटर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से उठने लगा है। तो फाइनली हमारा मीटर उठ चुका है, देख लीजिएगा आपके सामने है बिल्कुल, और बेहतरीन तरीके से हमारा मीटर उठ रहा है, शायद आपको नजर आ रहा होगा, ये देख लीजिएगा यहाँ पर, ये देख लीजिएगा बिल्कुल बेहतरीन क्लियर उठ चुका है। तो 3 दिन के बाद, पूरे 3 दिन हो चुके थे इसको हमें रखे हुए सुपर कोट लगाने के बाद, और 3 दिन के बाद भी हमने बहुत आसानी से इसके ऊपर मैटर उठा लिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने 3 दिन के बाद भी कितनी आसानी के साथ में और बेहतरीन तरीके से अपने मैटर को खोल लिया है। हाँ, कुछ दिक्कतें हमें जरूर आई थी, उनको हमने डिक्रोमेंट डालकर, सेंसिलाइजर जो होता है उसको डालकर अपने फ्रेम को बिल्कुल क्लियर तरीके से और साफ तरीके से खोल लिया है। तो कैसा लगा ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।